कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने कहा इस्तीफा देने वाले विधायकों से मिलने के बाद ही सुनाएंगे फैसला। भाजपा ने कहा राज्य सरकार अल्पमत में असंतुष्ट। विधायकों ने कहा खरीद फरोख्त के आरोप गलत। डीके शिवकुमार ने मुंबई दौरे से पहले मांगी सुरक्षा। कांग्रेस और टीएमसी के हंगामे के चलते नहीं चली राज्यसभा। दो बार के इस कदम के बाद दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा में देर रात 11 बजे के बाद हुई बजट पर चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट चर्चा पर दे सकती हैं लोकसभा में जवाब। अपनी परंपरागत सीट अमेठी से हार के बाद आज पहली बार अमेठी आएंगे राहुल गांधी। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलकर हार के कारणों की करेंगे समीक्षा। विश्व कप में बारिश के कारण बाधित भारत न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मैच आज होगा पूरा। कीवी टीम 211 रन से शुरू करेगी अपनी बची हुई पारी। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक का सियासी घमासान लगातार जारी है। कुमार स्वामी के लिए राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। मंगलवार को सबकी नजरें विधानसभा अध्यक्ष पर थीं कि वो क्या फैसला लेते हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वो इस्तीफा देने वाले विधायकों से मिलने के बाद ही कोई फैसला सुनाएंगे। वहीं बीजेपी राज्य सरकार के इस्तीफे पर अड़ी है। मंगलवार को एक और कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया। वहीं संकट का हल निकालने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद। पिछले चार दिन से जारी कर्नाटक का नाटक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मंगलवार को सबकी नजरें विधानसभा के अध्यक्ष पर थीं कि वो क्या फैसला लेते हैं, लेकिन उन्होंने नियम कानूनों का हवाला देकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया। तो वहीं कांग्रेस और जेडीएस ने अपने विधायकों को कार्यवाही की चेतावनी दी। वहीं बीजेपी राज्य सरकार के इस्तीफे पर अड़ी है। अपने पहले से तय कार्यक्रम के तहत कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष आर रमेश कुमार मंगलवार को बेंगलुरु पहुंचे। सबको इंतजार था कि वो विधायकों के इस्तीफे पर क्या फैसला लेते हैं। बागी विधायकों पर फैसला लेने से पहले विधानसभा अध्यक्ष सारे नियम कायदे देख रहे हैं। स्पीकर के अनुसार 13 में से 8 विधायकों ने अपना इस्तीफा नियम के तहत नहीं दिया है और अगर वो अपना रवैया नहीं बदलते हैं तो उन्हें नियमों के मुताबिक कार्रवाई करनी होगी। बाकी के 5 विधायकों को उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मिलने को बुलाया है। स्पीकर का कहना है कि वो कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, इसलिए पूरा सोच विचार कर फैसला लेंगे। I must understand the helplessness of the people in the state, the feeling of the general public. Look to the provisions of constitution, the rule book, the spirit interpretation of the law, why this law was brought in at all these things. Then I must act as a man with clear conscience. And I'm going to do that. इस बीच गठबंधन सरकार को बुधवार को एक और झटका लगा। कांग्रेस के निलंबित विधायक आर रोशन बेग ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। हाँ, मैंने अभी स्पीकर साहब से मिलकर मैं मेरे दोस्तों के साथ आके मेरे बेटे के साथ आके मैंने असेंबली एज ए मेंबर एमएलएशिप से मैंने इस्तीफा दिया। रोशन बेग को मिलाकर अभी तक 14 विधायक अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें से कांग्रेस के 11 विधायक और जेडीएस के 3 विधायक हैं। इस बीच बीजेपी विधायकों ने स्पीकर से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात हो नहीं सकी। उनका कहना है कि राज्य में संवैधानिक संकट है और कुमार स्वामी सरकार तुरंत इस्तीफा दे। ये तो हमारे पार्टी का राय है कि ये जो चल रही है ये तो संविधान की ब्रेकडाउन हो गया है। इधर मेजोरिटी गया है सरकार का और मिनिस्टर्स भी रेजिग्नेशन दिया है। क्या हो रहा है इधर? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक अकेला चीफ मिनिस्टर है। इसलिए बहुत खेद की बात है, कर्नाटक के लिए अच्छा नहीं। विधायकों के इस्तीफे के बाद मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में इस्तीफा देने वाले पार्टी के विधायकों से पार्टी में वापस आने का अनुरोध किया गया। पार्टी ने कहा है कि विधायक पार्टी में वापस आ जाएं, नहीं तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें। पार्टी ने विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। The party has taken a decision, firm stand to make a petition before the speaker, requesting the speaker to disqualify them and also request so-called MLS is not voluntary and genuine. वहीं जेडीएस के विधायक एक रिजॉर्ट में डेरा डाले हुए हैं और मुख्यमंत्री कुमारस्वामी भी दिन भर उन्हीं के साथ रहे। जेडीएस ने भी अपने विधायकों को चेतावनी दी है।
इस बीच कर्नाटक के संकट की गूंज मंगलवार को संसद में भी सुनाई दी। लोकसभा में कांग्रेस ने बीजेपी पर कर्नाटक की गठबंधन सरकार को सत्ता से हटाने के लिए षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट किया। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोपों को खारिज कर दिया और इसे कांग्रेस के घर की समस्या बताया। कर्नाटक में जो कुछ भी हो रहा है यह कांग्रेस के अपने घर का यह मामला है, लेकिन अपने घर को अपने हाउस को यह संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि पार्लियामेंट के लोअर हाउस को डिस्टर्ब करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस बीच खबर है कि जेडीएस कांग्रेस गठबंधन के बागी विधायक पुणे से करीब 90 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर हैं और इस्तीफे पर विधानसभा के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक की साल भर पुरानी गठबंधन सरकार इन विधायकों के इस्तीफे की वजह से गिरने की कगार पर पहुंच गई है। अगर इन विधायकों का इस्तीफा स्वीकार होता है तो गठबंधन सरकार की संख्या विधानसभा में 102 हो जाएगी, वहीं भाजपा के पक्ष में संख्या 107 है। कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 113 विधायकों की जरूरत होती है। इस्तीफों से पहले विधानसभा में कांग्रेस के 78, जेडीएस के 37 और बीजेपी के 105 विधायक थे। गठबंधन को विधानसभा में 119 विधायकों का समर्थन प्राप्त था। अगर इन 14 विधायकों का इस्तीफा अस्वीकार कर दिया जाता है तो गठबंधन का आंकड़ा घटकर 102 हो जाएगा। इसमें विधानसभा अध्यक्ष का भी एक वोट शामिल है। दो निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ बीजेपी के पास 107 विधायक हैं। संसद का सत्र सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन मंगलवार को लोकसभा में कई विधायक कामकाज पूरे किए गए। वहीं राज्यसभा में कई मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा कार्रवाई को बाधा पहुंचाता हुआ दिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पर चर्चा का जवाब दे सकती हैं। मंगलवार को लोकसभा में जहां कामकाज हुआ तो वहीं राज्यसभा में टीएमसी और कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बात लोकसभा की करें तो सुबह प्रश्नकाल के दौरान खेती पर एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि यूपीए सरकार के समय शुरू की गई 70,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना के बाद भी किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि योजना के ऑडिट में भी ऐसे मामले सामने आए और ये भी सामने आया कि उन लोगों का कर्ज माफ कर दिया गया जो किसान ही नहीं थे। ये बात सही है कि कर्जा माफी करने के बाद के वर्ष में भी आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई थी, ये रिकॉर्ड पे था। और मैं मानता हूं साहब कि किसानों की आत्महत्या उसको राजकीय रंग से देखने की जरूरत नहीं है। दोपहर बाद सदन में बजट पर चर्चा शुरू हुई और तमाम सदस्यों ने अपनी राय रखी। पहली बार ये लग रहा है कि हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांव में रहने वाला भारत, ये गांव की चिंता कर रही है सरकार, गरीब की चिंता कर रही है सरकार, किसान की चिंता कर रही है सरकार। और देखें 2019 के चुनाव में खेत खलिहान में रहने वाले किसानों को कहा कि चलो मतदान करो, ये हमारे बीच का रहने वाला है। इट इज एविडेंट दैट विद द स्लोइंग डाउन ऑफ द इकोनॉमी एंड द फॉलिंग रेवेन्यूज People of India are merely being given headlines, which are likely to be replaced by newer headlines in the future, even while the economy is crying out for help. The proposal to improve the railway infrastructure through public-private partnership model was well advised, and almost like 50 lakh crores of investment would be required over the years for this purpose, sir. बात राज्यसभा की करें तो उच्च सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और बजट पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में संसद सत्र के दौरान उच्च सदन में मंगलवार को पहली बार हंगामे की वजह से कार्यवाही बाधित हुई। सदन में तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के मुद्दे पर और कांग्रेस के सदस्यों ने कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा कराने की मांग करते हुए नारेबाजी की। आसन की ओर से शांति बनाए रखने की अपील की गई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। हंगामा नहीं थपने पर उपसभापति ने दोपहर 2:05 पर सदन की बैठक बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह राज्यसभा के लिए संपन्न उपचुनाव में गुजरात से जीते भाजपा सदस्य जुगल सिंह माथुर सिंह लोखंडवाला को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई गई।
सरकार की महत्वाकांक्षी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना ने सफलता की नई इबारत लिखी है। लाभार्थियों के बैंक खातों में अब तक कुल 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया जा चुका है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना ने भी एक नया मुकाम हासिल किया। जनधन खातों में जमा पैसों का एक नया रिकॉर्ड बन चुका है। जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में जमा राशि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 5 साल पहले ये जनधन योजना शुरू की थी। ताजा आंकड़ों के अनुसार जनधन खातों में कुल जमा राशि में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ये 1 लाख करोड़ रुपए के पार कर 1,495.95 करोड़ रुपए हो गई। इस बार बजट में पर्यावरण के लिए मोदी सरकार ने ज्यादा पैसा दिया है ताकि बढ़ते प्रदूषण से तेजी के साथ निपटा जा सके। इस बार देश के 102 शहर ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण की समस्या ज्यादा है। मंत्रालय का पूरा फोकस इन 102 शहरों पर है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि मंत्रालय ने 102 शहरों में से 80 शहरों का प्लान तैयार कर लिया है। जल्द ही बचे 22 शहरों को प्लान में शामिल कर लिया जाएगा। 19-20 में 18-19 से 16% का एनवायरनमेंट के लिए बजट ज़्यादा रखा है और इसलिए जो पहले 2,683 करोड़ होता था अब वो 3,175 करोड़ हुआ है और इसमें दो कार्यक्रम है मुख्यतः। ये काम है कि 102 शहर जहाँ प्रदूषण अधिक है उस पर हम टारगेट कर रहे हैं कि क्लीन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन नेशनल एक्शन प्लान They say these 102 cities specific action plans are to be drawn. 80 are already written. 80 शहरों का नक्शा तैयार है पूरा और बचे हुए बाकी 22 शहरों का भी जल्दी तैयार हो जाएगा। अमेठी में सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमेठी से लगातार 3 बार सांसद रह चुके राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद आज पहली बार अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचेंगे। राहुल गांधी गौरीगंज के जामू रोड पर स्थित निर्मला देवी शैक्षिक संस्थान में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। करीब 3 घंटे तक चलने वाली राहुल की इस बैठक में बूथ अध्यक्षों से लेकर जिला स्तरीय सभी नेता मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी से मिली करारी हार की समीक्षा बंद कमरे में नेताओं के साथ करेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले जबकि मौजूदा सांसद रहे राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 मतों से मात देकर कांग्रेस की गढ़ कही जाने वाली अमेठी में कमल खिलाने में कामयाब हुई। वहीं राहुल के अमेठी दौरे को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी अपने घर और अपने कार्यकर्ताओं के बीच आ रहे हैं। राहुल गांधी गौरीगंज के निर्मला इंस्टीट्यूट में ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिले के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। राहुल जी अपने क्षेत्र अमेठी अपने घर अपने कार्यकर्ताओं के अपने परिवार के बीच में आ रहे हैं। एक दिवसीय कार्यक्रम है गौरीगंज में निर्मला इंस्टीट्यूट में। ग्राम सभा अध्यक्ष न्याय पंचायत अध्यक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता फ्रंटल संगठन के हमारे जो संगठन के पदाधिकारीगण हैं उनके साथ बैठक करेंगे बातचीत करेंगे और एक दूसरे कार्यक्रम है। हो सकता है एक दो जगह कंडोलेंस में भी हमारे दो शोक संतप्त परिवार हैं उनके बीच में भी जाएँ। एक दूसरे कार्यक्रम है राहुल जी हम सबके बीच में आ रहे हैं। मायावती के प्रमुख सचिव रहे रिटायर्ड आईएएस नेत्राम के घर पर सीबीआई ने छापा मारा। बसपा सरकार में कई अहम पदों पर रहे नेत्राम के लखनऊ स्थित गोमती नगर और अलीगंज के दोनों घरों पर सीबीआई ने छापा मारकर कई अहम दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही बसपा सरकार में यूपी चीनी निगम में एमडी रहे विनय प्रिय दुबे के आवास पर भी चीनी मिल घोटाले के आरोपों के चलते सीबीआई ने छापेमारी की। इससे पहले नेत्राम के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। आयकर विभाग ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उनके दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी कर कई बैंक खातों को सीज किया था। नेत्राम को आईएएस अफसरों में से एक माना जाता रहा है।
प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया गया है। इसका असर भी होता हुआ दिख रहा है। अधिकारी जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और मौके पर जाकर मामले की जांच कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के ब्लॉक मंगूपुरा में सामने आया है, जहां ग्रामीणों द्वारा अधिकारियों से ग्राम प्रधान के विकास कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत थी, जिसकी जांच अधिकारियों द्वारा गांव में जाकर की गई। जिन मामलों में भ्रष्टाचार पाया जाएगा और जांच रिपोर्ट में उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा तथा भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आपकी कॉलोनी आई थी, किसी ने कुछ पैसा लिया था आपसे? हाँ, लिया थे। कितने रुपए लिए थे? 30,000 लिए। किसने लिए थे? इन्होंने लिए, प्रधान ने लिए। देखिए, मंगूपुरा ग्राम पंचायत की शिकायत थी, वहाँ जो विकास कार्य कराया गया था उसके संदर्भ में, तो ये कमेटी गठित की गई थी, उसमें मैं था, वीडियो बिलारी थे और जेई थे आरएस के अरविंद कुमार जी। हम लोगों ने पूर्व सूचना के आधार पर वहाँ जाकर के जांच करी। प्राथमिक विद्यालय जो था वहाँ सभी ग्रामवासियों को बुलाया गया, वहाँ पे जो कार्य हुए थे उसका भौतिक सत्यापन किया गया। तो जो 16-17 का कार्य था और 17-18 का कार्य था वो सब पढ़ करके सुनाया गया। लाइट, सोलर लाइट की आपत्ति थी कि 20 लाइट की बजाय 30 लाइट का भुगतान हुआ, तो वो सभी लाइटें पढ़ के सुनाई गई। तो फिजिकली तो मैंने वहाँ वेरिफिकेशन किया, जैसे लाइट ही लीजिए सोलर लाइट का, तो जो शिकायतकर्ता था उनका कहना था सिर्फ 30 लाइट का भुगतान हुआ है, लेकिन जब हम लोगों ने MB वगैरह देखी तो केवल 20 लाइट का भुगतान हुआ था। काल इसमें तत्परता दिखाते हुए हम लोग मौके पर जाते हैं, मौके पर ही वेरिफिकेशन करते हैं सभी ग्रामवासियों को बुला करके। लगातार सूखे की मार झेल रहे ललितपुर जिले में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह बरसात से पहले वर्षा जल का संचयन 32 तालाब के गहरीकरण करवा रहे हैं। उन्होंने जिले के समस्त अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनपद में जिला प्रशासन के साथ साथ स्वयंसेवी संस्था एवं टाटा कंपनी के 40 लाख की धनराशि के सहयोग से लगभग 400 एकड़ जमीन में 75 तालाब निर्माण एवं मेड़बंदी का जो अभियान चलाया वो आजीविका संवर्धन का एक साधन बनता दिख रहा है। ललितपुर जनपद के पाली तहसील के विकास खंड बिरधा के अंतर्गत आने वाले निबुआ एवं बछलापुर ग्राम सहित 5 गांव में यहां के किसानों के श्रम दान द्वारा प्रति गांव 15 तालाबों का निर्माण एक विशेष जल भराव वाले क्षेत्र में कराकर पानी को रोकने के जो प्रयास हुए हैं उससे यहां के सभी तालाब पानी से भरे हुए हैं। लाभार्थी समीप के अन्य किसानों को भी सिंचाई जल उपलब्ध कराकर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं। इसके अतिरिक्त करीब 32 तालाबों को हमने मनरेगा के स्कीम के तहत उनका गहरीकरण कराया है। 5 तालाबों का जो कि काफ़ी बड़े बड़े 5 हेक्टेयर के एरिया से बड़े तालाब थे उनको हमने CSR फंड से उनका गहरीकरण करवाया है और भविष्य में हम लघु सिंचाई के माध्यम से भी काम करवाने जा रहे हैं, जिससे कि अधिक से अधिक जल स्रोत हमारे लिए उपलब्ध हैं, अधिक से अधिक जगह पर पानी कंजर्व रहे, इस उद्देश्य के साथ हम लोग लगातार जनपद में काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमने काफ़ी किया था, इस बार भी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का अपील है पूरे सभी कृषकों से, उन्होंने अपील की है, प्रधानों से अपील की है कि जहां पर भी पानी है उसको संचित किया जाए, इसको बहने ना दिया जाए, बहने से रोका जाए। तो इसी क्रम में हम लोग बैठक कर रहे हैं और उनके आदेश के, उनके अपील के अनुपालन में हम आगे कर रहे हैं। जल संवर्धन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हमने 5 गांवों में एक मॉडल बनाने की कोशिश की और 5 गांवों में हम लोगों ने 50-50, 60-60 एकड़ का पैच लिया, पूरा एक एरिया लिया, उसको ऊपर से नीचे तक पूरा ट्रीट किया, छोटे छोटे खेत तालाब बनाए, उस खेत तालाब की मिट्टी से पूरे एरिया की मेड़बंदी की और कोशिश की कि वहाँ पर पानी ज़्यादा से ज़्यादा रुके। और पानी रुकने से ये लाभ दिख रहा है उसमें कि वहाँ पे खेत तालाबों में पानी है और उसके अलावा आसपास की जमीन, आसपास के जो वाटर बॉडीज थी उनमें भी जल स्तर बढ़ा है। जहाँ 30,000 रुपया लेके पानी के परेशान हते, अब सब बनगास हो, जब सब अच्छी फसल होने लगी उसे, जब समस्या आती तालाब नहीं खोदते सो ढूर मरते और खेती की लाने और अब खड्डा मड्डा खुद गए से ढूर पानी पी गया तो नाज भी हो खड्डन से। और यहाँ नवगुआ में लगभग 15 खेत तालाब बनाए गए और जो खेत तालाब बनाए गए वो मिट्टी लेके और किसानों की मेड़ पे डाली गई, मतलब NGO के माध्यम से, और जो बरसात का पानी है
वो मेड़बंदी से छिक जाता है, बाकी का पानी खेत तालाब में जो गड्ढा है उस गड्ढे में एकत्र हो जाता है। ये 70 एकड़ में मेड़बंदी की गई थी और इस 70 एकड़ की मेड़बंदी में 15 खेत तालाब बनाए गए थे, जिसमें से अब पहले पानी की बहुत दिक्कत थी, अब जो मेड़बंदी हुई खेत तालाब बने, तो इस मेड़बंदी खेत तालाब से लगभग लगभग 20-25 एकड़ खेती किसान कर लेता है। जल संरक्षण को लेकर गंभीर प्रधानमंत्री ने देश भर के सरपंचों को पत्र भी लिखा था। गौरतलब है कि शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सबसे ज्यादा भूजल से मिलती है और उत्तर प्रदेश में घटते भूजल के कारण 36 जिले डार्क जोन घोषित किए गए हैं, जिनमें एक जिला भदोही भी है। इससे चिंतित केंद्र सरकार ने भूजल स्तर बढ़ाने के लिए बरसात के पानी को इकट्ठा करके भूजल में मिलाने के लिए सभी गांवों के विद्यालयों में बरसात जल संचयन विधि का प्रयोग करने के लिए कहा है, जिसकी शुरुआत भदोही जिले में संयुक्त सचिव भारत सरकार और भदोही जिलाधिकारी ने भदोही के पलहिया गांव में स्थित इस सुंदर प्राथमिक विद्यालय से की है। जल्द ही जिले भर के प्राथमिक विद्यालय में इसकी शुरुआत की जाएगी। देखिए, जल संचयन और जल संरक्षण फिलहाल वर्तमान सरकार की प्राथमिक कार्यों में से एक है। उसी को ध्यान में रख करके ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब अभी भारत सरकार से आए थे और उन्हीं के निर्देश पर पूरे जनपद में जल संरक्षण और संचयन के लिए जो कार्ययोजना हमारे स्तर से बनाई गई है उसका उनके द्वारा अनुश्रवण किया गया और निर्देश भी दिया गया। जहाँ तक वाटर रेन हार्वेस्टिंग की बात है, वो पलैया गांव से शुरुआत इसी गई थी प्राथमिक विद्यालय में। वहाँ पर जो रेन वाटर है उसको किस प्रकार से हार्वेस्ट किया जाए उसके लिए शुरुआत वहाँ से हमने की है और हमारा लक्ष्य यह है कि कम से कम जो हमारे 561 प्राथमिक विद्यालय हैं, सभी प्राथमिक विद्यालयों में हम रेन हार्वेस्टिंग के लिए काम करने शुरू करेंगे। इसके लिए एक एस्टिमेट भी तैयार किया गया है और कार्य भी इसका शुरू हो रहा है। महिला सशक्तिकरण व बालिका सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से फतेहपुर जिले में महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चुप्पी तोड़ो अब तो बोलो माध्यम से बालिकाओं को वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090 डायल 100 1098 और 181 हेल्पलाइन नंबरों पर चिड़खानी की शिकायत करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करने पर त्वरित निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जुलाई माह एंटी रोमियो माह के रूप में चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक थाने में तैनात एंटी रोमियो स्क्वाड स्कूल के बाहर बाजारों व शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गश्त मारकर शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान को जिलाधिकारी संजीव सिंह व पुलिस अधीक्षक रमेश ने ITI ग्राउंड से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बालिकाओं को जागरूक करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठा रही है। बहुत ही कम शब्दों को किया जाता है। हम चाहते हैं कि नारी को आगे बढ़ाया जाए, तभी सभी लोग कहते हैं नारी का करो सम्मान तभी बढ़ेगा देश का मान। नारी को आज के उसमें हर युग में आगे बढ़ना है, नारी बहुत ही पीछे है इस चीज से, इसलिए हम सब चाहते हैं कि नारी को आगे बढ़ाया जाए ताकि वो आगे अच्छे से अपना पालन पोषण कर सके, किसी के दबाव में न रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आदेश है जो है एंटी रोमियो अभियान चलाया जाए, उसके अंतर्गत हम एक महीने का प्रोग्राम बनाए हैं, जिसके अंतर्गत ये एक तो सिम्बोलिक है कि आज एक जुलूस निकाला गया नारी सशक्तिकरण या नारी जागरूकता दिवस, चुप्पी तोड़ो अब तो बोलो। हम स्कूल में भी जाके लड़कियों को उसके मतलब अधिकार के बारे में बताएं कि क्या करना है। साथ साथ प्रत्येक थाने में एंटी रोमियो स्क्वाड बना हुआ है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर, 3 कांस्टेबल, 2 महिला आरक्षी हैं। इसके अलावा जो टोल फ्री नंबर 1090 है, 100 है, ये सब दिया गया है और इस जागरूकता रैली के माध्यम से हम इसको पूरे लड़कियों के अंतर्गत, महिलाओं के अंतर्गत प्रचार प्रसार करना चाहते हैं कि अगर आपके साथ कोई छेड़खानी होती है, कोई परेशान करता है तो हमको सूचित करें। 1090 जो नंबर है, 100 नंबर है, 1090 पर उसकी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर महिला सुरक्षा अभियान माह जुलाई में चूँकि नया सत्र प्रारंभ हो चुका है और सभी विद्यालयों को के लिए इसमें कार्ययोजना बनाई गई है कि महिलाएं कैसे सुरक्षित महसूस कर सकें, चाहे वो विद्यालय जाएं या बाज़ार में जाएं या हाट में कहीं भी जाएं, और चाहे शहरी एरिया हो चाहे आपका ग्रामीण एरिया हो, सभी जगह सुरक्षित रहे उसके लिए कार्ययोजना बनाई गई है।
फूड पेट्रोलिंग पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ ही जो हमारे विद्यालय विशेष कॉलेज विशेषकर बालिका विद्यालय हैं उनके बाहर अगर ऐसे कोई शरारती तत्व प्रयास करते हैं या बार बार घूमते हैं उनको एंटी रोमियो अभियान चलाते हुए पुलिस की सादा वर्दी में उनके खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है, उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। और ये दूसरा पक्ष इसका ये है कि बालिकाओं को जागरूक किया जाए, उनको जानकारी दी जाए कि अगर कोई ऐसा प्रयास करता है या उनके ऊपर गलत निगाह से देखता है या उनके साथ रास्ते में छेड़खाने की प्रयास करता है तो उसको पहले ही तत्काल जो है चिन्हीकरण कराना सुनिश्चित करें और हमको बताएं। वाराणसी के राजेंद्र प्रसाद घाट के पास स्थित मान सिंह वेदशाला में वाराणसी के इतिहास से संबंधित आभासी संग्रहालय का अवलोकन करने के बाद संग्रहालय को देखने के लिए दर्शकों की बड़ी संख्या आने लगी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक एनके सिन्हा ने बताया कि उपरोक्त संग्रहालय का उद्घाटन पूर्व में प्रधानमंत्री द्वारा किया जा चुका था लेकिन अवलोकन 6 जुलाई को किया। इसके बाद से दर्शकों की संख्या काफी बढ़ गई। इस संग्रहालय में एक छत के नीचे वाराणसी के बारे में संपूर्ण जानकारी 3D चलचित्रों के माध्यम से जीवंत रूप में देखने को मिलती है। आभासीय अनुभूति संग्रहालय भारतीय पुरातत्व संरक्षण के एक संरक्षित स्मारक मान महल या मान सिंह की वेदशाला में बनाया गया है। आपको मैं ये बता दूं कि यह अपने आप में भारत में अपने आप का एक पहला प्रकार का संग्रहालय है और इसमें बनारस के जितने भी विरासत की चीज़ें हैं चाहे वो मूर्त हों या अमूर्त हों उनको जीवंत करने का प्रयास किया गया है। इसमें हमने बनारस के खान पान, बनारस के साहित्य, बनारस के पत्रकारिता, बनारस के ये जो साड़ी बिनने की कला है, बनारस का इतिहास, बनारस के स्मारक, हमारे जो बनारस के घाटों की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है सबको समेटने का प्रयास किया गया है। बाराबंकी में घाघरा नदी का पानी दिनों दिन तेजी से बढ़ रहा है। तहसील रामनगर, सिरौली, गोसपुर समेत कई इलाकों के गांव की जमीन तेजी से कट रही है। खेतों को अपनी आगोश में लेते हुए नदी का रुख गांव की ओर बढ़ रहा है जिससे ग्रामीण सहमे हुए हैं। सिरौली गोसपुर क्षेत्र के टेपरा में खटान का खतरा बना हुआ है। नदी के तट पर रहने वाले दर्जनों लोगों ने ठिकाना बदलना शुरू कर दिया है। बाढ़ कार्यखंड की ओर से कटान रोकने के लिए बोरियों में ईंट भरकर कटान स्थल पर डाला गया है। टेपरा के बाद रामनगर क्षेत्र के कोरिनपुर और दुर्गापुर गांव की ओर भी पानी का बहाव देखकर ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। प्रशासन ग्रामीणों को नदी के किनारे से हटने के लिए आगाह कर रहा है। रोज दैनिक रूप से जो है उसका जल स्तर की मॉनिटरिंग हम लोगों के द्वारा की जा रही है। वहाँ पे जो भी मॉनिटरिंग वाले कर्मचारी अधिकारी लगे हैं उनसे हम लोग रिपोर्ट लेते हैं। तो अभी ऐसे कोई खतरे की बात नहीं है लेकिन ये बात सही है कि कटान जो है वो घाघरा नदी ने शुरू कर दी है। खासतौर से जो हमारा ये टेपरा गांव है, दुर्गापुर गांव है और बाकी अंदर कुछ 10-15 संवेदनशील जो है कई गांव का भ्रमण हम लोग के द्वारा भी किया गया है। बाढ़ खंड उसमें निरंतर कार्रवाई कर रहा है, टेम्प्रेरी व्यवस्थाएं कर रहा है, कटर इत्यादि का निर्माण वहाँ किया जा रहा ताकि जो नदी का बहाव है उसको मोड़ा जा सके और कटान और अधिक ना हो। तो इस पर पूरी हम लोग की नज़र है और पूरी हम लोग इसमें सतर्कता बरते हुए हैं। और अब क्रिकेट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2019 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका। बाकी का मैच आज खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.1 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाए। हालांकि तभी बारिश ने मुकाबले में खलल डाला। लगातार बारिश की वजह से इसके बाद मुकाबला दोबारा शुरू नहीं हो पाया। इसके बाद ICC के नियम के तहत मैच को रिजर्व डे पर करने का फैसला किया गया। उन्होंने आउट ऑफ फॉर्म चल रहे मार्टिन गप्टिल को एक रन पर स्लिप पर कोहली के हाथों कैच कराया। हालांकि दूसरे विकेट के लिए हेनरी निकोलस ने कप्तान केन विलियमसन के साथ मिलकर पारी को संभाला और 68 रन जोड़े। निकोलस 28 रन बनाकर जडेजा की बेहतरीन गेंद पर बोल्ड हुए। इसके बाद विलियमसन को अनुभवी रॉस टेलर का साथ मिला। दोनों ने धीमी गति से रन बनाने का सिलसिला जारी रखते हुए विकेट नहीं गिरने दिया और स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। इसी बीच विलियमसन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्हें चहल ने अपनी फिरकी में फंसाया और 67 के स्कोर पर जड़ेजा गया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से